हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्निकल एचसी। तो यार, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे जो अपने फ्री फायर में जो यहां पे लैगिंग प्रॉब्लम को जो है फिक्स कर सकते हैं, और अगर आपका गेम यहां पे ऑटोमेटिक कट हो जा रहा है तो वो भी यहां पे जो है आपका फिक्स हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को तो यार फोन ही ऑफ हो जा रहा है फ्री फायर यहां पे खेलते खेलते। तो यहां पे सारा प्रॉब्लम आज फिक्स होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद आपका। तो वीडियो को जो है विदाउट स्किप किए हुए पूरा एंड तक जो है देख लेना, तो इसके बाद जो आपका यहाँ पे गेम बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रन होगा। और आपका अगर आपके फोन में हीटिंग इशू हो रहा है गेम खेलते के टाइम पे, तो वो हीटिंग इशू भी जो यहाँ पे आपका फिक्स्ड हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो, और हमारे चैनल पे जो है जल्दी एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है फ्री फायर का पिंग जो यहाँ पे आपका हाई हो जाता है तो उसको आप कैसे जो है नॉर्मल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लाऊंगा, बहुत ही वर्किंग ट्रिक लाऊंगा, इसके ऊपर रिसर्च चालू है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जल्दी ही ये वीडियो जो है आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे जो अपने फ्री फायर लैगिंग को जो है फिक्स कर सकते हैं और सारे इश्यूज को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग्स पे चले जाना है। फोन के सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने फोन के अबाउट फोन में चले जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है बिल्ड नंबर देखने को मिल जाएगा। मेरे फोन में यहाँ पे बिल्ड नंबर देखने को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं जो है एमआई का फोन यूज कर रहा हूँ। आपके फोन में यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फोन में आपको यहाँ पे बिल्ड नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है बिल्ड नंबर पे लगातार टैप करना है जब तक कि आप डेवलपर ना बन जाए। तो मैं यहाँ पे एमआई वाले वर्जन पे लगातार टैप कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है यहाँ पे एमआई का फोन यूज कर रहा हूँ। तो आपको जो यहाँ पे बिल्ड नंबर पे लगातार टैप करना है जब तक कि आप डेवलपर ना बन जाए। आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिल जाएगा यू आर नाउ ए डेवलपर। उसके बाद आपको जो यहाँ पे बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स में ही एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डेवलपर ऑप्शन। तो मेरे फोन में यहाँ पे सेटिंग्स में नहीं दिखेगा क्योंकि मैं जो है एमआई का फोन यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जो एडिशनल सेटिंग्स पे जाना होगा। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ चुका है, डेवलपर ऑप्शन। तो आपको जो है इस डेवलपर ऑप्शन वाले में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। स्क्रॉल डाउन करके आप जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अगर आपका फोन एकदम ही बहुत ज्यादा लैग कर रहा है और आपके फोन में कम रैम है तो आप जो है इस बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को जो है यहाँ पे एटमोस्ट 4 प्रोसेस में जो है कर दीजिएगा। इसको एटमोस्ट 4 प्रोसेस में करने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, डोंट कीप एक्टिविटीज। तो इसको भी आपको जो है ऑन कर देना है। इससे होगा ये कि अननेसेसरी जो आपके बैकग्राउंड में जब आप गेम खेलेंगे तो अननेसेसरी बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होते रहते हैं फालतू के एप्स के यहाँ पे रन करते रहते हैं, वो जो यहाँ पे रन नहीं करेगा। आपका गेम पे पर्टिकुलर फोकस जाएगा रैम का, इससे जो है आपका गेम जो है स्मूथ चलेगा, लैग नहीं करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फोर्स इंटू MSAA, तो इसको भी आपको जो यहाँ पे इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फोर्स GPU रेंडरिंग, तो इसको भी आपको जो यहाँ पे ऑन कर देना है। तो इन दोनों को जो है आपको जो है यहाँ पे ऑन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चले आना है और आपको यहाँ पे 3 एनिमेशन स्केल देखने को मिल जाता है। तो इन तीनों को जो आपको यहाँ पे 0.5x में कर देना है, जैसा कि देख सकते हैं मैं ऑलरेडी इसे जो है 0.5x में जो है करके रखा हुआ हूँ। बाय डिफॉल्ट ये आपका 1x में रहता है, तो इसको आपको जो है 0.5x में कर देना है। आप देख सकते हो इन तीनों को जो है आपको 0.5x में जो है करना है। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे जो है बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे अपने फोन में स्टोरेज वाले ऑप्शन में चले जाना है। स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा कैश डेटा। यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन में भी है, ये सारे फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैश डाटा को जो है आपको हर एक दो दिन में यहाँ पे खोल के जो है यहाँ पे क्लियर करते रहना है, क्योंकि जो है आपके जो है बहुत सारे एप्स के डाटा जो है रैम में स्टोर रहते हैं एज ए कैश डाटा। तो आपको जो है इसे जो है क्लीन करना है ताकि आपका रैम भी जो है यहाँ पे फ्री हो पाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 0.94 GB जो यहाँ पे कैश डाटा जो है यहाँ पे स्टोर है, इसमें आपको क्लिक करके ओके करके आपको जो है इसे रेगुलर 2-3 दिन में आपको चेक करके डिलीट करते रहना है। और आप जो है गेम खेलने से पहले एक चीज इंश्योर कर लेना कि आपके फोन में जो है यहाँ पे कोई भी रिसेंट में ऐप ना खुला हो। आप देख सकते हैं रिसेंट अगर कोई ऐप होगा तो उसको जो आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपको जो है अपने गेम को जो है यहाँ पे ओपन करना है। और अगर आपके फोन में पहले से कुछ सिक्योरिटी ऐप है, जैसे कि सैमसंग के फोन में यहाँ पे स्मार्ट मैनेजर होता है, तो आपको जो है उससे भी अपने फोन को जो यहाँ पे बूस्ट कर लेना है। आप कोई भी थर्ड पार्टी बूस्टर ऐप अपने फोन में रखे हैं, गेम बूस्टर या फिर कोई अदर बूस्टर ऐप, तो उसको जो है सबसे पहले आपको अनइंस्टॉल करना है यार। अगर आप अपने फोन में कुछ बूस्टर बूस्टर रखेंगे, गेम बूस्टर या फिर कोई अदर बूस्टर, तो उससे जो है आपका गेम जो है पहले से ज्यादा लैग करेगा, ज्यादा आपका फोन जो है हैंग करेगा। तो अगर आप कोई बूस्टर ऐप पहले से रखे हैं तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दो। और आपके फोन में अगर पहले से दिया हुआ है कोई सिक्योरिटी ऐप या फिर कोई बूस्टर,
तो आप जो उससे अपने फोन को जो है बूस्ट कर सकते हैं गेम खेलने से पहले। और आप एक चीज इंश्योर कर लेना कि आप कभी भी अपने फोन को जो है चार्जिंग पे लगा के गेम को जो है मत खेलना। अगर आप चार्जिंग पे लगा के खेलेंगे तो आपका फोन जो है ऑब्वियस सी बात है हीट होगा ही होगा और आपका फोन जो है यहाँ पे आपका गेम भी जो है यहाँ पे लैग करेगा। तो आप जो है कभी भी चार्जिंग पे लगा के अपने गेम को यार मत खेलना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये सब सेटिंग करने के बाद आपको जो है अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, उसके बाद जो है अपने गेम को आपको यहाँ पे ओपन करना है। अगर उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पे हल्का सा भी लैग देखने को मिलता है तो आप अपने गेम में जो है फ्री फायर में अपने ग्राफिक्स को यार डिक्रीज कर लेना थोड़ा। मैं जो है फुल ग्राफिक्स में खेलता हूँ क्योंकि मेरे फोन में जो है 4GB रैम है, तो यहाँ पे मुझे लैग तो अभी तक देखने को जो है नहीं मिला है। हाँ, मुझे पिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है मुझे भी, तो इसके ऊपर जो है जल्दी ही वीडियो आएगी कि कैसे जो आप अपने फ्री फायर में जो है जो आपका हाई पिंग हो जाता है उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना ग्राफिक्स को जो है यहाँ पे डिक्रीज कर लेना है अगर आपके फोन में जो है यहाँ पे अभी भी लैगिंग इशू देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं मैं जो यहाँ पे अल्ट्रा में करके रखा हुआ हूँ, तो आपको जो है अगर अभी भी देखने को मिल रहा है लैग तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड में जो है कर सकते हैं या फिर स्मूथ में भी कर सकते हैं। तो इससे जो है आपका गेम जो है 100% उसके बाद आपका गेम ऑटो क्लोज नहीं होगा और यहाँ पे आपका फोन भी जो है हीट नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि हमारे चैनल पर जो है इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।